रमेश और सुरेश दो भाई थे शादी के पहले तो दोनों में बहुत प्यार था लेकिन जैसे ही दोनों की शादी होती है दोनों के विचार अलग हो जाते हैं एक दिन छोटे रमेश की बीवी कहती है मुझे नहीं लगता दीदी का रोज रोज ताना देना कहती रहती है फ्री का खारी है कम से कम घर का, का काम तो किया कर अब क्या बोलो मैं माँ की बीमारी में पूरा पैसा लग जाता है कमाई जितनी अच्छी है माँ की बीमारी उतनी ही बड़ी बस माँ ठीक हो जाए समझो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाए लेकिन माँ तो आप दोनों की है ना फिर सिर्फ आप ही क्यों माँ की जिम्मेदारी ले बड़े भैया का भी तो फर्ज है ना अरे नहीं, नहीं नहीं ऐसा कभी मत सोचना भैया ने ही तो मुझे पढ़ाया लिखा इस लायक बनाया लेकिन भाभी बीवी पति को दुखी देखकर चुप हो जाती है सच कहू तो मैं तो ये सोच रही थी कि जैसे ही माँ की तबीयत अच्छी हो जाएगी हम लोग ऊपर अपना पोषण बनाकर शिफ्ट हो जाएंगे दोनों पति पत्नी दिल से माँ की सेवा करते का सारा काम और आने वाले भविष्य के सुनहरे ख्वाब देखते एक एक कर छोटे भाई का सारा कुछ माँ के इलाज में लगा जा रहा था एक दिन भैया माँ का एक ऑपरेशन होना है आ, दो लाख की जरूरत है मेरे पास कुल मिलाकर पचास हजार का इंतजाम हुआ है कुछ हो सके तो कर दो सारे पैसे लौटा दूंगा वैसे भैया कल ऑफिस आकर ले जाना आ, चेक बुक वही ऑफिस में रहती है और सुना कैसी चल रही है नौकरी नौकरी तो बहुत अच्छी चल रही है भैया प्रमोशन और इंक्रीमेंट का लड्डू अच्छा, बता नहीं खूब तरक्की कर माँ को किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना छोटा वहाँ से चला जाता है कि भाभी आ जाती है जरा अंदर आइए जी काम है आपसे भाई अंदर जाता है तो बीवी चीखने लगती है भूल गए पढ़ाई से लेकर शादी तक इसके ऊपर दस लाख आप लगा चुके हैं अब तक एक माँ की जिम्मेदारी क्या दे दी है आए दिन पैसे के लिए खड़ा हो जाता है पैसे पेड़ पर लगे हैं क्या यहाँ पर क्यों सी बात कर रही हो जितना तो मैंने इसकी शादी और पढ़ाई में नहीं लगाया उससे दो गुना ज्यादा वो माँ पर लगा चुका है वो तो इसका बड़ापन है जो कभी बैठ कर हिसाब नहीं करता और माँ मेरी भी तो है मुझे भी उनकी चिंता है देख लो मैं घर में कलेश नहीं चाहती लड़ाई झगड़े नहीं चाहती पर एक बात कान खोल कर सुन लो या तो पैसे नहीं दोगे और अगर दे दिए तो पूरी शर्तों के साथ बेचारा बड़ा भाई क्या करता सीधा सादा, सा वो किसी भी कारण से घर में कलेश नहीं चाहता इधर छोटा भाई माँ माँ कल तेरे ऑपरेशन का सारा काम पूरा कर लूंगा तेरे ऑपरेशन के लिए पैसे का जुगाड़ भी हो गया है भैया मान गए पैसे देने के लिए अरे मानते भी क्यों नहीं आखिर माँ से बढ़कर इस दुनिया में है ही क्या तू भोला है कुछ नहीं जानता बेटा वो भले ही मान गया हो लेकिन उसकी बीवी उसे कोई ना कोई पाठ पढ़ा ही देगी देख लेना <laughs> पढ़ाने दीजिए ना माँ हम लोगों को क्या पैसे तो मिल गए ना वैसे भी माँ आप ठीक हो जाए तो हम लोग मिलकर ऊपर के फ्लोर में शिफ्ट हो जाएंगे अपना मकान किराए पर दे देंगे और उससे जो कुछ भी पैसे बचेंगे उससे आज जिन चीजों की कमियां है ना उन सबको पूरा कर लेंगे माँ बेटे बहू की बात सुन तो लेती है लेकिन उसे अपनी बड़ी बहू पर जरा भी भरोसा नहीं होता अगले रोज बेटा बड़े भाई की ऑफिस जाता है भैया वो आपने चेक के लिए बुलाया था ना? हाँ हा, ये ले चेक। लेकिन छोटे तेरी भाभी बोल रही थी कि इस पेपर पर साइन कर देना कि तूने कितने पैसे लिए हैं। देख मैं भाई हूँ लेकिन वो अरे भैया ऐसी क्या बात है ये लो साइन किए देता हूँ अभी तो बस माँ का ऑपरेशन हो जाए बाकी बाद में देख लेंगे छोटा साइन करके चला जाता है माँ का ऑपरेशन हो जाता है और वो अच्छी होकर घर आ जाती है वाह माँ देखिए तो आपके ठीक होने की खुशी में मैंने बेसन के लड्डू बनाए हैं। <laughs> जीती रहे बहू अब तो तेरे सारे सपने पूरे होंगे तभी वहाँ बड़ी बहू आ जाती है हो गया ना तुम लोगों का अब माँ का नाटक खत्म तो कल ही घर खाली कर देना वो क्या है ना मेरा बड़ा बेटा आ रहा है तो मुझे उसके लिए सेपरेट पोर्शन बनाना है ऊपर तो परसों से लेबर लग जाएंगे आजकल मैं ही देख लेना निकलने का अरे जिंदा हूँ मैं अभी तो होती कौन है मेरे बेटे को मेरे घर से बाहर निकालने वाली <laughs> <laughs> मैं जानती थी ये हाई वोल्टेज फैमिली ड्रामा जरूर खेलेंगे आप तो देखिए ऐसा है कि अच्छा वो पेपर याद है जिसमें आपने अंगूठा लगाया था वो हाँ वो जो ब्लड ब्लड बैंक बैंक के <laughs> के के पेपर पेपर थे थे नहीं प्रॉपर्टी उसमें साफ शब्दों में लिखा था कि आप ये जायदाद हम लोगों के नाम कर रही हैं तो आप लोगों ने माँ से धोखे से साइन करवा लिया कितना गिर गई हैं आप भाभी धोखे <laughs> से ना करवाते तो क्या ये बुढ़िया दे देती और तुम क्यों चिल्ला रहे हो तुमने भी तो उस दिन अपने भाई के ऑफिस में जो पेपर साइन किए थे उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ था कि तुम्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं है सारा परिवार समझ जाता हम लोगों के साथ भटकोगी पता नहीं मकान मिले ना मिले कहा रहना पड़े किसी के घर में कुछ दिन शरण भी लेनी पड़े नहीं नहीं हम माँ को छोड़ नहीं सकते यह माँ की सेवा कौन करेगा अभी अभी तो बीमारी से उठी है वो आपकी नौकरी अच्छी है हमें जल्दी ही कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा बात तो तुम्हारी सही है लेकिन खर्चे वर्चे वो सब चुका कर मकान का किराया कहाँ से देंगे माँ चुपचाप सब सुन रही थी तुझे याद है बेटा दस साल तक तू हमेशा पैसे लाकर सीधा मेरे हाथ में देता था वो तो आज भी देता हूँ माँ लेकिन उसका क्या बहू को भी नहीं पता कि तुझे कितने पैसे मिलते हैं मैं उन पैसों में से हर महीने कुछ पैसे बचा लेती थी वो गुल्लक आज मैं तुझे दे रही हूँ इसमें से पैसे निकाल कर जितना काम चला सके चला लेना ये मकान तेरे पापा का था वो तो मैं तुझे दे नहीं पाई लेकिन यकीन मान इन पैसों में तुझे इतनी बरकत मिलेगी कि तेरे ऐसे कई मकान बनेंगे एक दिन रहा सवाल मेरा तो मैं तो अपने भाई के घर जा रही हूँ लेकिन सिर्फ एक महीने के लिए जैसा ही तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं तेरे पास आ जाऊंगी माँ गुल्लक बेटे को देकर चली जाती है छोटा भाई भी बीवी के साथ अलग हो जाता है उस पैसे से उसका एक साल तक अच्छा खासा गुजारा होता है और फिर एक दिन छोटी बहू माँ ये कैसी गुल्लक है जितना खाली करो भरती ही जाती है कोई ज्यादा गुल्लक है क्या नहीं नहीं बेटा ये मेरी सास ने मुझे दी थी जो आज मैं तुझे दे रही हूँ बस एक बात याद रखना कितनी भी विपत्ति आ जाए हर महीने इसमें पैसे डालना नहीं भूलना फिर चाहे जितने बंटवारे हो तुम्हारा हिस्सा हमेशा भारी रहेगा